हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रीबेड परीक्षा और प्रीडीएलएड परीक्षा या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, अभी तक आपने पहले वाले वीडियोस जनरल नॉलेज और शिक्षण अभिरुचि के और वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो छत्तीसगढ़ विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो कौन सा होगा फ्रेंड, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटा देश है। अगर क्वेश्चन आए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, सातवें स्थान पर है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए विश्व स्तर में तो भारत है सातवें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और पहला जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या रखा था, पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है, जापानी एन। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अगर पूछा जाए चांद पर कदम रखने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था तो कौन था, राकेश शर्मा। ठीक है, उनका नाम था राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकृति द मोनालिसा को किसने चित्रित किया था, प्रसिद्ध जो है कलाकृति द मोनालिसा को किसने चित्रित किया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लियोनार्डो द विंची। ये इटालियन आर्टिस्ट थे लियोनार्डो द विंची, जिन्होंने द मोनालिसा को चित्रित किया था। ठीक है, जो पेंटिंग है वो ऑयल पेंटिंग था। ठीक है, आप देखते ही होगे फ्रेंड, पजल में भी आता है एक लेडीज़ का या फिर उनका नाम था द मोनालिसा। ठीक है, पेंटिंग, ठीक है, पजल में आता है वो, आप उनको जानते होगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मिस्र की राजधानी क्या है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। ठीक है, मिस्र जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास 1984 किसने लिखा था तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज ऑरवेल ने। भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा क्या है तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, भारतीय रुपया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यूनाइटेड किंगडम की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, मार्गरेट थैचर। ठीक है, मार्गरेट थैचर। तो अगर बात हम करें भारतीय महिलाओं की तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल जी थी, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू हैं, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है फ्रेंड तो इसका राइट आंसर है सहारा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड
जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेज़न नदी है, जो कि अमेज़न नदी जो है पेरू से उत्पन्न होती है और जाके अटलांटिक महासागर में मिलती है। ठीक है, जो अमेज़न नदी है इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर की है। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखा था, प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखा था, तो लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो इसका जो पब्लिश हुआ था डेट क्या है, जो ईयर है 1869 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जर्मनी की मुद्रा क्या है। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था फ्रेंड, फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, ये जो थे प्रथम नाविक थे। और महिला की बात करें तो विश्व की परिक्रमा करने वाली पहली महिला जो थी जीन बैरेट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉबिट पुस्तक के लेखक कौन है। द हॉबिट पुस्तक के लेखक कौन है, जे आर आर टॉल्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिको की राजधानी क्या है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी को किसने चित्रित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्वाडोर डाली। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 किस पर्यावरण मुद्दे पर केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर था। अभी जो रिसेंट हुआ है 2023 में उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट जो है जनरल नॉलेज उसको भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी पूछे जाएंगे क्योंकि अभी रिसेंट ही हुआ है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस की तारीख क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किसने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो इसका जो ईयर है 1973 में मनाया गया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए वैश्विक अभियान का नारा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीट प्लास्टिक प्रदूषण था। मतलब अभी जो रिसेंट जो पर्यावरण दिवस हुआ था उसका वैश्विक अभियान का नारा क्या था, बीट प्लास्टिक प्रदूषण। तो फ्रेंड प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए अभी साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अभी खोजा गया है। ठीक है, प्लास्टिक को डिग्रेड करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। ठीक है, तो सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। और कम देशों वाला महाद्वीप की बात करें तो जो है अंटार्कटिका है, जिसमें सिर्फ एक देश है। ठीक है, और अफ्रीका में जो है 54 देश हैं। ठीक है, महाद्वीप जो सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, जिसमें 54 देश है। ठीक है, और सबसे कम देश वाला महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका, जिसमें एक देश है, केवल एक देश। ठीक है, और एशिया की बात करें तो उसमें है 48 देश हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे ज़्यादा लोगों वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा लोगों वाला देश कौन सा है फ्रेंड? सबसे ज़्यादा लोगों वाला देश है, सबसे ज़्यादा लोगों वाला देश जो है वो है आंसर चीन। और सबसे कम लोगों वाला देश जो है वेटिकन सिटी है, जिसमें 451 लोग ही रहते हैं। ठीक है, सबसे कम लोगों वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, जिसमें सिर्फ 451 लोग ही रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जमीन पर सबसे तेज चलने वाला जानवर, जमीन पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? चीता। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तत्व की आवर्त सारणी पर पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है, और सबसे बड़ी नदी जो है भारत की वो गंगा है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, और राष्ट्रीय नदी भी गंगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप जो है वो कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है सबसे गर्म महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे ठंडा महाद्वीप की बात करें तो अंटार्कटिका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश जो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नील व्हेल। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेड क्लिफ रेखा किन देशों को अलग करती है? रेड क्लिफ देशा रेखा किन देशों को अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? और जो पहले हम लोग पढ़े थे वो अमेज़ॉन नदी थी। ठीक है, ठीक है, जो कि 6400 किलोमीटर की लंबाई थी उसकी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी जो है विश्व की वो है अमेज़ॉन नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड पृथ्वी की सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? रवि है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। ठीक है, सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विआधारी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। ठीक है, और गर्म ग्रह की बात किया जाए हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने संस्कृत को आधारिक
भाषा के रूप में अपनाया है। ठीक है, तो राइट आंसर है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो अलास्का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अलास्का। कागजी मुद्रा का प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरब सागर पर भारतीय द्वीपों का लोकप्रिय नाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह का अर्थ होता है द्वीपों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बिजली की खोज किसने की? बिजली की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोजीला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतक झील कहाँ स्थित है? लोकतक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, 1928 में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कौन सा जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है अधिकतर? ठीक है, तो उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। पहले रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फ्रेंड, मतलब ये क्वेश्चन ही ऐसा आया है फ्रेंड, तो क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक जी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक क्या कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो के आविष्कारक कौन है? रेडियो के आविष्कारक कौन है फ्रेंड? गुग्लिमो मार्कोनी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बिजली के बल्ब का आविष्कार कौन है? बिजली के बल्ब का आविष्कारक कौन है? थॉमस एडिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैंने बताया था फ्रेंड आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन। तो सूर्य की जो है, सूर्य के किरण जो निकलती है उसके आउटर लेयर पे एक लेयर बनती है जिसे कोरोना बोला जाता है। कोरोना, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रही हूँ, कोरोना एक लेयर है जो सूर्य के जो किरण निकलती है उसके आउटर लेयर पे बनती है। ठीक है, उसको बोला जाता है कोरोना। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है,
हाइड्रोजन हीलियम का संलयन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। मनी प्लांट किस प्रकार का पौधा है, मनी प्लांट किस प्रकार का पौधा है, तो पर्वतारोही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती है फ्रेंड। ठीक है, जो है पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, 5 मंडल होते हैं वायुमंडल में, 5 मंडल होते हैं या 5 लेयर होती है। ठीक है, जिसे क्षोभ मंडल यानी कि जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, और मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर, और ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। ठीक है, और बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। ठीक है फ्रेंड, तो चिकित्सा के जनक कौन है, चिकित्सा के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के जनक कौन है, तो आचार्य चरक जी हैं। ठीक है, आचार्य चरक, आचार्य चरक जी हैं। ठीक है, और जो महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है। ठीक है, महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, और चिकित्सा के जनक कौन है, आचार्य चरक। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी वाले ऐसे। ठीक है, और अगर फ्रेंड जैसे कि अगर पूछा जाए ठीक है फ्रेंड, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो कर लीजिए, और जितने भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम दिन बचा है। ठीक है, बीएड एग्ज़ाम को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।